तो मतलब मान लेते दूसरे जन्म में दोबारा दु, बनना पड़े है, तो बन तो जाएगी ना डॉक्टर <laughs> ने दे उठाओगी फिर भी गोबर तो गेर खाओगे चाहे कुछ नहीं पढ़ाई में थी तू पढ़ाई में तो बस धक्का सारे दिन सोवा के काम करे अच्छा घर के काम में कोई काम में ना लानता तो घर के खर्चे के पैसे नहीं दिया करते देर साबण भी मैं तेरे मामा के घर ले आए करती नान की ताई <laughs> तो एक हाउसवाइफ की लाइफ में सासू का भी बहुत बड़ा रोल होता होगा है ना सासू सासू अदा साली हो है हाँ, <laughs> वो अदा बहू ननू घुमा दे तो गाइस स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में और इस सीरीज में हम बहुत सारे प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं कोई कम कमाता है कोई ज्यादा कमाता है लेकिन एक प्रोफेशन ऐसा भी है जिसमें काम तो बहुत करना पड़ता है लेकिन कोई सैलरी नहीं होती और वो है एक हाउस वाइफ की लाइफ तो इस प्रोग्राम के लिए आज मैंने अपनी को बुलाया माँ स्वागत आपका <laughs> राम राम कर दे राम 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 बेटा राम राम तो माँ बता राम राम। स्टार्टिंग मतलब जो तेरा बचपन था तो क्या वो स्टार्टिंग से सोची थी कि मैंने हाउस वाइफ बनना है है? नहीं क्या था बचपन में क्या सोचा तो करती तू जब पढ़ाई कराया करती बचपन में तो भाई मैं पढ़ी हूँ दसवीं तक अच्छा और छठी में एक बार कोशिश करी थी हॉकी खेलने की अच्छा छठी में हॉकी खेला करती फिर फिर भाई वो कैंसिल हो गई बनी के बनी भाई घरिया तो जहर उड़ा नाम लिखवा दिया स्कूल में अच्छा और मैं खेले गई दस पंद्रह दिन तीन फिर घर क्या ने बेरा लागी ने बेरा लग गया मगर के अच्छा। मेरे जी करता खेलना अच्छा तो वही तेरे करियर का अंत हो गया कल तक के नहीं जाओगी अच्छा नाम कटवा ले पढ़ ले वो बोत है

के तेरे दादा के रिटायरमेंट हो गया था डाखन तो, अच्छा। तो, तो, तो पापा तो लाग रहे थे अरे तेरी ताई और पढ़ ना रही थी मैं पढ़ रही थी दसवीं पास एक क्वालिफाइड कैंडिडेट थी जॉब के लिए दोनों को ऐसी ना पढ़ रही थी अच्छा फिर उसने मेरे नाम करवा दिया तेरी नौकरी लगवा दी डाखन में हाँ पक्का

तो तेन तो दुख होया कि भाई मैंने नौकरी करनी थी या कुछ कैसा लगा तेरे को भाई दुख तो घना है होया अच्छा अब मेरे तो बिना बुझे यार नु कह दिए कि नहीं हटा दे कोई जरूरत ना जरूरत क्यों जरूरत के उड़ा आदमी हमें वो जो ऑफिसर आए करते भाई जिसके नाम था उसने तो बुलावेंगे लोगा में नहीं नहीं जाओगी अच्छा प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी थी यो लोगा लोगा में में जान की okay, लेडीज़ <laughs> मतलब जाके साइंस उड़ा पहला ज्यादातर बैठक थी ना वो वहां दस पंद्रह आदमी बैठे रहेगा तो चौबीस घंटे अच्छा डाखा नहीं जाते अपना उड़े गप्पे सप्पे मारे जाते नहीं बैठाएगा वह उड़ा जाना अलाउड नहीं था मेरा अच्छा वहीं फिर मेरा करियर स्टॉप कर दिया तो पापा और दादी और सारे स्ट्रिक्ट थे हैं? हाँ, सारे तेरे मामा ते <laughs> <laughs> तो तने तो 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 फिर मतलब पूरी हाउस <laughs> वाइफ की लाइफ जी पूरी जिंदगी भाई यो एक काम करे घास खोदी बरोटे डोए पानी भरिया गोबर यो पूरी जिंदगी यो है चल लिया तो एक पूरे दिन का तेरा के रूटीन करता उस टाइम पे एक हाउस वाइफ का पूरे दिन का के रूटीन था पूरे दिन का भाई सुबह उठी गल गल बालक उठ के गोबर गेर खाऊ फिर भाई तेरे रोटी बनाऊं फिर बालका ने स्कूल में गालूं फिर भाई रोटी और बेकी झाड़ू पोछा और बैसा का नुहाना प्याना सारे दिन चलता था पूरे दिन दोपहर तक नू चलता फिर दोपहर हो जा फिर इतना उन बालक का फिर का टाइम हो जाती फिर ऊना रोटी खुवाती अरे ये बाहर खाकर उस्ताद है रोटी ने नु लखो करते, आरी के नहीं खाए करता छिका जोर मार लेते फिर मार मार कर थप्पड़ मर मार, मार थप्पड़ उन्हें बैठती तेरे धोरा रोटी खा ले जल्दी खा ले नहीं तो पिटेगा फिर मैं काम का लाग जाती भाई इतना टाइम तब मैं तेरे दो बैठी रहूं मैं अपना दूसरे काम में लग गई इतनी आड़ में वो रोटी खत्म मगर कित गई वे रोटी बोले खाली मां मना तो वो तो मेरे याद है मैं उड़े हरी पीछे लगो दिया करता है ना और भाई फिर वो राख काटती ना वो हारी की वो देख तो साइड में लुकी पाओ है रोटियां खजाना था हारी के पीछे बीस <laughs> पच्चीस रोटी मतलब रोज उड़े ले और पीछे छुपाया हो जब भाई ਰੋਟੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਉ ਮੈਂ ਪਰ ਕਤਿ ਰੋਟੀ ਅਕਾ ਦੋਹਰ ਨਹੀਂ ਜੱਤਦਾ ਭਾਈ ਪਪਰ ਕਦੈਲ ਪ੍ਰਿਆ ਕਰਤੈ ਨੂੰ ਬਾਲਕਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਪਉਣ ਮੈਂ ਪਪਾ ਹਮਨੇ ਕਦਦਾ ਨਾ ਖਰੀ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਪਪਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੈ ਬਾਲਕ ਨੇ ਖਿਲਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਗੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਐਸਾ zulm ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਮੈਂ ਬਾਲਕਨ ਰੱਖੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂ अच्छा सारा घर का तने संभाल रखे सारा घर का काम मेरे जुम्मे था और फिर मतलब इतना काम करने के बाद तने कोई नु पैसे वैसे भी मिला करते अरे किसे पैसे तनखा ना तो दिखाए भी ना करता अच्छा हाँ तो घर के खर्चे के पैसे नहीं दिया करते हाँ। तेल साबुन भी मैं तेरे मामा के थे लिया करती नान की ताई। <laughs> ना मिले करता अच्छा? क्यों? भाई तेल साबुन पुराने जमाने में बउुआ ने दिए नहीं करते घर कोई भी ना दिए करता जो भी तेरी ज़रूरत का सामान होगा हाँ अपने घर ते जो भी जरूरत का तेल साबुन सेंट पेंट जो भी है अच्छा? तेरी दादी नु गई करती हम क्या लिया अपने घर था तेरा बाप बतीरा खा हाँ तो फिर पापा की तनखा क्या करता ਪਾਪਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੋਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਤਾ ਤੋ ਦੋਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ ਗਰਮ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹੋਗਾ ਗਰਮ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਆਓ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਆਓ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਤੇ ਪੈਸਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਗ ਸਬਜੀ ਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਘਰ ਮੈਂ ਅਗ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਕਾਨੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦੋ ਪੈਸੇ ਕੀ ਵੀ ਨੁਗਾਇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸੋਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ अच्छा घर के काम ना तो कोई काम में न सारे दिन मैं तो कमा का तू के करे सारे अच्छा। दिन सो और के करे <laughs> तीन, तीन तीन बाल बालकान पालना आसान अस, काम है फिर चार चार भैंस रहे करती सारे दिन उन्हें नुआना प्याणा गोबर पानी सब लागे रहते दोनों अच्छा तो मतलब इसके काम की कोई वैल्यू नहीं घर के काम की कोई वैल्यू नहीं फिर मतलब किसा फील होया होता मना फील इतना ढूंढा कई बार तुम्हारे रोन लाग जा मगा इतना काम कर गई भी कुछ ना करती तो मैं तो जिया ना कर काम करने फिर ई भी याद है ये मेरे टाइम पर मैं जिद्द लगा लेती ना तो आज मैं नौकरी डाकने में लागी होती तो तनीस बात का दुख होए कि मैंने नौकरी नहीं करी अपनी जिंदगी में मने बहुत दुख होए भाई अच्छा क्योंकि आत्मा पैसे चाहिए <laughs> 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 अच्छा अ <laughs> नु थारे सर्कल में को ताई चाची मारी कोई भी जॉब ना कराया करती कोई भी एक भी वर्किंग ना पहला कोई जमाने में कोई जॉब ना करे करती भाई हर सब की यही रिस्पेक्ट थी कर घर का काम बच्चे पालो रोटी पाथो गोबर पाथो और कोई काम नहीं अच्छा और पैसे कोई नहीं मिलना पैसा कल न दिखाओ दिखाओ कोई आदमी ना देता पैसे। अच्छा बैंक में खाते, करते होंगे थारे। अरे किसे खाते पैसे ना तो खाते है? के दिन हुआ तो बीमार हो जाए तो भाई उस दिन बीमार खुद रोटी पोए करती अच्छा हाँ तेरे पापा क्यूँ ना ड्यूटी पे जाना बड़का न स्कूल में जाना और तेरी दादी तो छुटता ही नही करती गया तो फंड करके सो रही है कुछ ना हो रही

नुकातम अच्छा माँ को ऊपर गिरेगी तो नुया क्या कहेंगे बहुआरी यार माँ को दिन तो ने स्ट्राइक भी करी कद है अगर भाई आज मैं काम नहीं करूं तो इन्हें नु बेरा पाटा का भाई मैं घर में कितना काम करूं स्ट्राइक करती तो मारन बाजता स्ट्राइक की कोई वैल्यू नहीं स्ट्राइक की कोई वैल्यू <laughs> ना नुकातम रोटी पोदे ना ही मारूं लात गिर के अच्छी होले ऐसी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी है तूने फिर तुमने ने क्या जो बाहर जाकर काम करे वो ज्यादा सिंपल है भाई जो बाहर जा ना वे बढ़िया अच्छा। उनकी कमाई दिखा का उनके नोट दिखा और घर कितना काम कर ले वो कोई काम नहीं हम लोग ना कोई पैसे मिलते ना उनकी कोई रिस्पेक्ट करता टफ लाइफ थी तेरी टफ लाइफ थी भाई बहुत टफ <laughs> थी बहुत टफ थी जब तेरे दो छोरी होगी फिर तो सोचे की न पढ़ा लिखा कुछ बनाऊंगी है हाँ छोरिया की टाइम मैंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ना अपने कैसी लाइफ नहीं जीवन दूंगी न पूरी पढ़ाऊंगी और नौकरी लगाऊंगी अच्छा ताकि मेरी तरिया ना दुखी हो मतलब नो हाउस वाइफ की लाइफ में तू बढ़िया नहीं समझती मैं कति भी नहीं समझती मैंने एक इस तय शिक्षा ली है अपनी छोरी पढ़ाई है और आज वो नौकरी करा कमारी किसी के सहारा नहीं जी रही अच्छा फिर नु मतलब थारा कोई नु ग्रुप नहीं बन जा सहेलियां का अगर भाई सारी बहु बहु हाउस वाइफ जो है सारी आपस में मिलकर किस तरह हैंग आउट करया करते कुछ ना अपने अपने दुख रोए करती सारी <laughs> <laughs> अगर मेरी गल भी हो रही है जो तेरी गल हो रही है अच्छा सारी लुगाइया का यो है दुख सारी लुगाइया का यो धंधा भाई यो रोना पीटना इससे ना कोई आजादी नहीं मिली कद भी तो ईब तो मतलब तू तो जैसे एल शोकिन फिल्म की डायरेक्टर बन रही है हमारी कंपनी में 49 परसेंट शेयर तेरा है बेरा तेरा तो ईब मतलब कैसा <laughs> फील होता है भाई ईब तो खूब खुश दे मैं कति चांदना सा हो जाए <laughs> <laughs> जींगे ना जा उड़ा आंटी राम राम आंटी राम राम आंटी फोटो खिंचवा ले आंटी आप ललित शोकिन की मम्मी मगा तो मतलब जैसे दो में मतलब तेरी लाइफ में काफी भारी बदलाव आ गए एक नॉर्मल लाइफ से एकदम से फिल्म स्टार बनी है फिल्म स्टार बनी भाई उसमें तो बहुत खुशी हो रही है तो मतलब कैसा लगता है फिर भाई लोग मने जाना है खूब अच्छी तरिया आंटी आप वो है ना ललित सोकिन की वीडियो में हाँ। अरे मैं मगर उसकी डायरेक्टर हूँ <laughs> उसकी माँ हूँ मैं अच्छा <laughs> तो इब हाँ। उसके मतलब हाउसवाइफ की लाइफ ने मिस नहीं करती ज्यादा है ना ये थोड़े से सुख दिन आए हैं भाई अच्छा रेस्ट भी मिल जाए काम तो तो इब नू तो प्राउड फील होता होगा भाई तने अपनी पूरी जिंदगी काम कर लेकिन तेरे तीनों बालक पढ़ लिख के कोई अमेरिका में सेटल हो रहे तीन अमेरिका में सेटल हो रहे हैं बढ़िया नौकरी करे तो इस बात पर तो प्राउड फील होता होगा खूब 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 प्राउड प्राउड जो कुछ घर हो हो आजकल भाई बहुत रिच भी वहां पे किसी छोरी का ब्याह हो जाए तो उड़ा हाउसवाइफ बन सके क्योंकि वहां तो नौकर चाकर काम करे तो वहां छोरी ना हाउस वाइफ बन जाना चाहिए बन जाना चाहिए बन जाना चाहिए क्यों भाई जब उड़ा कुछ काम ना करना तो क्या दिक्कत है जब पैसा की कोई कमी ना काम करना नहीं नौकर चक्कर काम करे पैसे हाथ में रहे सब कुछ है फिर क्यों उनने क्या दिक्कत है फिर क्या करो पूरे दिन ऑर्डर चलाओ ना ये करो ऑर्डर चला तो लेकिन ये ताने दो ये भी लग सके है ना ना वो ताने ना उसका पति नूताने नहीं मारेगा अगर भाई तू मैं तो कमा के लाता हूँ मेरा बिजनेस है ये तू बड़े बैठी बैठी ऑर्डर चला जिस तरह इतने कही ना कोई ठाने ना मारे जिसका कम हो ना वो मारे भाई सब कहेंगे मौज तो है पर वह ठाली बैठ करेंगे करेगी पूरा दिन घर में भाई वो इतना इंजॉय करे है किटी पार्टी में आज उसका जा है तड़का उसका जाएंगी घूमेंगी शॉपिंग करेंगी फिल्म देखेंगी उनके तो बहुत ठाठ हो रहे हैं तो ये कितने दिन कर ले रोज रोज तो ये काम ना हो रोज रोज है भाई <laughs> रोज कर अच्छा तो भी नहीं, मतलब तो राज्य अगर तेरे मतलब ये तो तू अमीर घर में है इब तो इब बन के पूरी है। हाँ, इब के दिक्कत है अच्छा को काम नहीं करना सुबह तक शाम तो खाली पैसा व्हाट्सएप फेसबुक फ्लोअ सब जाएगी <laughs> कितने फ्लोर हो रहे मेरे हो रहे पंद्रह सो पंद्रह सो फ्लोर ले रही तो भी होता होगा अब जो थरे गांव या कॉलोनी में ਇੱਕ ਬਹੂ ਹੋਗੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲਾਗ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਵਾ ਬੰਠਣ ਕੇ ਲਿਕੜੇ ਜੀ ਬਾਲ-ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤ ਲਿਕੜੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨ ਘਰ ਆਉਗੀ ਤੂੰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਥਾਰਾ ਜੀ ਵੀ ਜੜਦਾ ਹੋਗਾ ਜੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਕੇ ਫੀਲ ਹੋਏ ਨੋ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਗਾਂਬੀ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਲਾਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਾਂਬੀ ਬੈਗ ਟਾਂਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਤੈਨੂੰ ਐ ਹਰ ਕੁਬਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਮਾਰ ਕਰ ਕਰ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਟਾਂਕ ਕਰ ਤੜਗੀ ਲਿਕੜਾ ਸਾਜਣਾ ਬੜ ਹਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾ ਥਰਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ अगर भाई मरा तो ये पूरे दिन घर वहां पे जाकर काम करना है और ये अपने घड़ा मतलब चिल मारे बेरा ना भाई वे तो वे जाना है जो नौकरी करे है वे नौकरी तो परेशान हम घर के काम तो परेशान अच्छा। वे नु जा हम घर में बैठे है आराम से आराम बैग लटका का हम भी नौकरी कर ले अच्छा मतलब खुश कोई नहीं है खुश अपनी लाइफ में कोई <laughs> आ, दूसरे आ, काम बढ़िया लग दूसरे काम सब ना 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 आसान अभी कही जा कही बार। मेरा तो एक सपना था, मैं बस हो के ना, बन ताकि काम करना पड़े <laughs> उन्हें थोड़े दिन अड़ा लिया इंडिया मत धरेंगे ना गोबर के दूसरे दिन नौकरी कर लूंगी बढ़िया नहीं तू एक्टिंग कर तो जब तू हाउस वाइफ थी जब तेरी सासू थी मेरी दादी थी तो उसकी कोई जाएगी क्या करेगी फिर यह बात है वो तो चार बजे उठ जाए करती दूध दाद का काम करे करती बैसा का

अगर मतलब यो ऐसा वो ऐसा थारी तो होगी हो बढ़िया ना बॉन्डिंग <laughs> तो मतलब जन्म में दोबारा कान पकड़ो कोई मत बनियो हाउस वाइफ कोई मत बनी, मत बनी तो माता जी लास्ट में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगे आप लास्ट में यह कहना चाहूं भाई कोई हाउस वाइफ मत बनियो ક્યુ ઘર કે કામમાં કોઈ કામ નહીં સમજતા એ પઢાઈ કરો નોકરી કરો ઔર આપણા આરામસે જીવન બિતાઓ